जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में अब तक कम से कम 40 जवानों की मौत हो गई। 2500 जवानों के सीआरपीएफ काफिले पर जिस वक्त हमला हुआ, उस वक्त वे बसों में भरकर जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। इसी दौरान अवंतीपुरा इलाके में एक आतंकी ने विस्फोटकों से भरी कार जवानों की एक बस में ले जाकर ठोक दी। इसके बाद धमाके में बस के परखच्चे उड़ गए। इस हमले की जिम्मेदारी जैश मोहम्मद ने ली है। There was a vehicle convoy which was coming and it was there is an explosion and what is the nature of explosion, how it has happened, what led to this explosion, these are all subject of investigation. So we are going to carry out a professional post blast investigation to understand the circumstances and at present what IGCRPF said that the number of casualties, the injured, whosoever injured, they have been shifted to the hospital. We are now clearing the site. As and when we get the confirmation of the numbers, we will definitely share. जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे आतंकियों का कायराना हमला करार दिया है। इस हमले के बाद से साउथ कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। पुलवामा में मौजूद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की कंपनियों को अवंतीपोरा भेजा गया और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलवामा के अलावा शोपियां, कुलगाम और श्रीनगर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस हमले ने सितंबर 2016 में हुए उरी हमले की यादें ताज़ा कर दी है, जब आतंकी हमले में सेना के 19 जवान मारे गए थे। इस हमले की भी जिम्मेदारी जैश मोहम्मद ने ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।